करें और जो अमृतसर वेरका के रहने वाले हैं और जो सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है और जो सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि जे 2 साल से यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और इस सिस्टर की गवाही जे इन्होंने बताया कि जब से जे इस मीटिंग में आ रहे थे और उससे पहले जे सिस्टर 5 घरों का काम करते थे और सिस्टर ने बताया कि 5 घरों का काम करते थे और जैसे हमें सीखने को मिलता है कि जब हम संगति में लेट नहीं आते तो लेट जब हम आते हैं तो उसमें परमेश्वर का आदर नहीं है। तो इन्होंने इस वचन को सुना था तो इन्होंने बताया कि जब जे 5 घरों का काम करते थे तो संगति में जे लेट हो जाते थे जो कि इनको अच्छा नहीं था लगता और जैसे इन्होंने इस वचन को सीखा और इन्होंने 5 घरों से सिर्फ 3 घर का काम छोड़ दिया उससे जे 2 घरों का काम कर रहे थे और जैसे जे कुछ समय से 2 घर का काम कर रहे थे और जे संगति में भी समय से आते थे और इन्होंने बताया कि जो 1 घर का काम करते थे इन्होंने बोला कि आप ऐसे छुट्टी हर बार आप छुट्टी करते हो तो वो भी काम इनका छूट गया। फिर 1 साल से सिर्फ जे 1 ही घर का काम कर रहे थे और जे 1 साल से 1 घर का काम कर रहे थे और इन्होंने बताया कि जब जे 5 घरों का काम करते थे तो इनको 6,000 रुपया मिलता था और पर इन्होंने परमेश्वर के प्रेम के लिए उस काम को छोड़ दिया और सिर्फ इनके पास 1 घर का काम रह गया और जो वो इनको 600 रुपया ही देते थे और जे सिस्टर 1 साल से सिर्फ 600 रुपया ही ले रहे थे और 1 साल से 1 घर का ही काम कर रहे थे और जिसके कारण इनको काफ़ी प्रॉब्लम तो रहती थी पर जे परमेश्वर के प्रेम के लिए जे बहुत सारा परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं और जे हर एक मीटिंग में आते थे थर्सडे और संडे की मीटिंग को अटेंड करते थे और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने सीखा था कि हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए हर एक वचन के अनुसार तो जब जे अपना परमेश्वर का जो आदर करते जो 600 रुपया इनको मिलता था उससे जो 200 रुपया परमेश्वर का निकालते थे तो इनको 400 रुपया ही सिर्फ बचता था जो इनका घर का और अपना खर्चा होता था और काफ़ी समय ऐसा ही जे चलता रहा और जे इसमें भी खुश थे कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे जे हर एक मीटिंग में आते थे और प्रभु के दास के मुख से इन्होंने वर्ड को सुना कि परमेश्वर आपके हर एक रास्ते को खोलने वाले हैं तो जैसे जे हर एक मीटिंग में आते थे और इस वर्ड को इन्होंने रिसीव किया और जे प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करते रहे और जे धन्यवाद करते रहे और जे सिस्टर ने बताया कि अभी परमेश्वर ने इनको एक नया घर का काम दिया है जो कि 2 महीने हो चुके हैं इस 10 तारीख को 2 महीने हो जाने हैं जो इनको परमेश्वर ने काम दिया है और जैसे जे परमेश्वर का आदर करते थे 600 से 200 रुपया परमेश्वर का निकालते थे तो 400 रुपया इनको बचता था तो परमेश्वर ने इनको एक घर का काम दिया और अभी उन्होंने इनको 1,000 रुपया देते हैं और जे इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने 1,000 रुपया दिया तो इसने परमेश्वर का थैंक्स किया क्योंकि वो इनको जो थर्सडे और संडे की मीटिंग का किराया भी देते थे और जिसके लिए इन्होंने परमेश्वर का थैंक्स किया और उसके साथ इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड जब से जो 2 साल से इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे वो इनको खर्चा नहीं देते थे और जैसे परमेश्वर ने उनके मन को भी बदला क्योंकि जो सिस्टर प्रार्थना करते रहे अपनी फैमिली के लिए भी और इनके हस्बैंड भी इनको अभी 1,000 रुपया देते हैं 500 रुपया इनके खर्चे के लिए इनको देते हैं और 500 रुपया परमेश्वर के आदर के लिए देते हैं और जो सिस्टर ने बताया कि उससे भी जो परमेश्वर के आदर के लिए देते हैं जो परमेश्वर को ही देते हैं तो परमेश्वर ने उनके मन को भी बदला प्लस जो ये 600 रुपया मिलता था उन्होंने भी इनका 400 रुपया बढ़ा दिया है उससे भी अब इनका 1,000 रुपया हो गया है। टोटल इनको परमेश्वर ने 2,000 रुपया इनके काम का और 1,000 रुपया इनके हस्बैंड जो देते टोटल 3,000 रुपये के साथ अभी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है और जे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते कि सच में परमेश्वर ने मेरी हर एक घटी को पूरा किया है जैसे जो विश्वास और प्रार्थना में इस मिनिस्ट्री में आते रहे और जे परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते कि जे परमेश्वर निश्चय आगे भी परमेश्वर के जीवन में बहुत सारी हर एक बड़ी गवाही को बना चुके हैं और इनके जीवन में जो भी कोई घटी थी परमेश्वर जो विश्वास करते कि इनका विश्वास है कि जल्द से अभी परमेश्वर की बड़ी गवाही बनाएंगे जो अपनी फैमिली के लिए विश्वास करते कि वो भी इस मिनिस्ट्री में आ चुके और इनकी इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का थैंक्स करते कि परमेश्वर इनके लिए कर चुके और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे जोर से हालेलुया। सुनो 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 सब बात पैसों की नहीं है बात खुदावंत के प्रेम की।
बोलो क्या है? 3000 रुपया क्या होता है? 6000 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं। बोलो क्या है? कुछ भी नहीं। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो लाखों रोज कमाते हैं, लाखों, पर उनके पास जीवन नहीं है, शांति नहीं, स्वर्ग नहीं, पर इसके पास है। बोलो क्या है? इसीलिए जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। बोलो क्या है? जिसके पास परमेश्वर उसके पास सब कुछ है। बात पैसों की नहीं, बात परमेश्वर के प्रेम की, जो इसके जीवन में आया, जिस खुदावंद ने इसे अंधकार में से अपनी ज्योति में बनाया। क्या बनाया? क्योंकि जैसे पत्रस ने यीशु मसीह को कहा, ठीक प्रभु मैं अपनी बीवी बच्चे माता पिता को छोड़कर तेरे पीछे आया हूं, बता मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे बता क्या मिला। तो उसने कहा मैं कब किसी को कहता हूं कि मेरे लिए तुम अपनी माता पिता, अपने भाई बहन बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़ो, मैंने कब कहा किसी को। पर उसने कहा कि जो मेरे लिए ऐसा करेगा वो इस जीवन में कई गुना अधिक और फिर उसके बाद अनंत जीवन पाएगा। इस जीवन में कई गुना अधिक और उसके बाद वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का पता है ना, जो इस जीवन के बाद परमेश्वर हमें देने वाला है। आमेन। खुश नहीं हो क्या? उस जीवन को लेने के लिए कोई खुश नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में जो परमेश्वर ने हमें बुलाया इसीलिए उसने बुलाया, क्योंकि ये चिन्ह और चमत्कार जो खुदा की सच्चाई में, ये इसलिए रखे गए हैं कि लोग खुदा के पास आए। अगर ये चिन्ह चमत्कार ना होते तो कोई भी मसीह के पास ना आता, मैं सच्ची कहता हूं, इसलिए ये रखे हैं। इसलिए मैंने इसे ऐसा नहीं कहा कि तू ऐसे कर, बोल कि तू अपनी जो मेहनत करते हैं उन घरों के काम को, उनके घरों, उन घरों का काम छोड़ दो, आप हर संडे वीरवार आओ, मैंने नहीं कहा। ये इसका खुद का मन है, जैसे मैंने सब कुछ अपने मन से किया ना, तो इसने अपने मन से उस प्रेम से किया जो खुदा मन ने इससे किया। तो इस पहले ज्यादा 6000 का काम था, ज्यादा काम था, पर क्या हुआ कि हर संडे वीरवार तो लेट आना है। तो लेट आने का मतलब इन्होंने कहा ये परमेश्वर का अनादर है, आदरणीय, मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसे इन्होंने छोड़ दिए। जब छोड़ेंगे तो पैसे नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि एक तो ये अकेले घर से विश्वास करते हैं, ना तो इनके बच्चे विश्वास करते, ना हस्बैंड विश्वास करते, एक तो उस तरफ से भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो भी इनकी सपोर्ट नहीं करते कुछ नहीं, पर ये खड़े रहे हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में ये खड़े रहे खुदा के साथ कि नहीं, काम छोड़ दिए, पैसे कम है फिर भी आते। देखो 6000 से सिर्फ 600 रह गया, कितना रह गया? 600 रुपया, सिर्फ एक ही घर का काम। पहले 6000 का करते थे हाँ, पर यहां पे जब आते थे तो क्या होते थे? लेट हो जाते, इतने घरों का काम करना, धीरे धीरे कम, कईयों ने जवाब दे दिया कि नहीं ऐसे करना, आप मत आओ, तुमने कोई बात नहीं, और फिर एक ही रह गया सिर्फ 600 रुपया। और 600 रुपए के काम कर भी इन्होंने 600 से 200 रुपए से परमेश्वर का आदर किया। 600 का कितने बनते हैं परमेश्वर के आदर के लिए? 60 रुपए ना, पर ये कितना खुदा के लिए कर रहे हैं? 200। अपने लिए सिर्फ 400 रख रहे हैं और 200। ये बात वैसी होगी जैसे यीशु मसीह ने एक विधवा के दान को सराहा। क्या सराहा? उसने कहा कि ये नहीं है कि इसने ज्यादा दिया, पर इसने अपनी जीविका, इसने सब कुछ दे दिया, तुमने अपनी बढ़ोतरी से दिया, पर इसने अपनी जीविका ही, इसके पास जितना था इसने दे दिया, इसलिए इसने सबसे ज्यादा दिया। क्या दे दिया है? देखो 600 रुपया कमाते हैं और उससे भी 200 रुपया परमेश्वर के आदर लिए। अगर ऐसे कर रहे हैं तो कौन देख रहा है? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में देखता है? कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर में देखता है? देखता है कि नहीं देखता? देखता है। तो अभी क्या है कि परमेश्वर ने इंतजाम किया, एक घर का और काम दे दिया,
जिसके पास बहुत पैसा उसके लिए ये नॉर्मल बात है, पर इसमें परमेश्वर का बड़ा प्रेम है। बोलो क्या है? बड़ा प्रेम है। फिर एक काम दे दिया वो हजार रुपए एक घर का, और प्लस वो घर वाले इनको आने जाने का किराया भी देते हैं हर संडे और वीरवार। अच्छा घर दे दिया ना परमेश्वर ने। और प्लस जो इनके हस्बैंड इनके पति थे इनके, वो कभी भी इनको चर्च आने के लिए पैसा नहीं देते। आज वो भी इन्हें हजार रुपया देते हैं। क्यों जी? हजार ही देते हैं। माइक से दो ने। पापा जी हजार रुपया दें दे, 500 किंदे तेरा उन जानदा ते 500 परमेश्वर दा। ओ तारीफ करो इस बात के लिए। हालेलुया! जबरदस्त तालियों के साथ जबरदस्त। सुनो, ये बात पैसों की नहीं है, पैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक परमेश्वर के प्रेम की बात है जो खुदावंद ने इस दुनिया में प्रकट किया। अगर वो इतना कर रहा है तो वो लाखों भी कर सकता है। इसके लिए क्या कर सकता है? उसके लिए लाखों भी कर सकता है। क्या कर सकता है? देखो, एक दिन जो इसका हस्बैंड जो 10 रुपए भी नहीं चर्च आने के लिए देता था, आज वो 1000 दे रहा, और वो कह रहे 500 रुपया चर्च में 500 इन्हें दे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। बोलो क्या है? परमेश्वर सच्चा है। वो कभी भी अपने लोगों को, जब हम किसी चीज के लिए भी खड़े रहते हैं और अड़े रहते हैं, बोलो क्या है, वो परमेश्वर करता है। क्या करता है परमेश्वर हमारे लिए? करता है, जैसे इसके लिए किया। बोलो क्या? इसके लिए कर दिया ना। अभी इसकी चाहते हैं कि इसकी जो फैमिली है, इसके बच्चे जो इसके हस्बैंड पति, वो भी आए। देखना जिस तरीके से ये चाहत से खुदा के साथ जी रही है, देखना वो भी एक दिन सब यहां पे होंगे। क्योंकि बाइबल के अनुसार जो उसके वचन में लिखा, तू बच तेरा घराना, क्योंकि हमने अपनी चाहत और विश्वास को नहीं छोड़ना। मेन सबसे ये इंपॉर्टेंट है, अपनी चाहत और अपने विश्वास को नहीं छोड़ना। जैसे इसकी चाहत है, जैसे इसका विश्वास है। बोलो क्या है? इसीलिए लिखा बाइबल में, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ, अगर हम कर रहे हैं, बोलो क्या है, व्यर्थ नहीं है, उसका फल है। जैसे परमेश्वर से दे रहे हैं, वो हर एक को देने वाला है। आमेन। मैंने कहा वो हर एक को देने वाला है, वो हर एक के रास्तों को खोलने वाला है। बस अपने खड़े रहना और खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर जीना है परमेश्वर के साथ। आमेन। सो इस गवाही के लिए हाँ, ये कुछ बोलना चाहते हैं, दे दो माइक। पापा जी, जय मसीह दी। जय मसीह की। पापा जी, मैं ये कहना चाहनी हां कि मेरे पति ने जो आ ठंड बहुत होगी ना, मेरे पति ने कहन लगा कि तू संगति में इको दिन ही जा, एतवार ही जा, तू दो दिन नहीं जाना। मैं क्या कि जो मेरे ते एडे एडे वड्डे हालात ही उदो ते तू ही मेरी फिकर ना कीती, ना मेरे तू ही कीती, ना मेरे बच्चियां ने कीती। वो मेरा खुदा मेरे नाल ही मैनू संभाल कर लेकर जांदा रहा, ते संभाल कर लेकर घर भी खड़दा रहा, ते मैनू मेरी फिकर करन दी तुहानू कोई लोड़ नहीं, मेरा खुदा मेरे नाल आ। पापा जी, फिर मैं ये भी गल कही, मैं कहा कि तुहानू मेरी फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं, मेरा खुदा हमेशा मेरे नाल, घर भी नाल हुंदा, बाहर भी, काम ते भी नाल। पापा जी, जदों मैं कोई काम करदी, मैं इहो खुदा नू कहनी, खुदा ये हाथ मेरा नहीं है, खुदा तेरा हाथ आ, ये तू मेरे को काम करा रहा, मैं इन्ने जोगी नहीं हाँ मेरे खुदा, जो तू मैनू इस काबल बनाया मेरे खुदा। सुनो, एक चीज सुनो, आप सब जानते हो इसकी चेष्टा मनी, क्योंकि इसे गांठ या इसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। और एक बार परमेश्वर ने अच्छा कर दिया, शैतान ने फिर से दोबारा इसके ऊपर इतना हालात लेकर आ गया ना, इतना ज्यादा। एक समय तो ऐसा लगता था कि बस खत्म है सब कुछ, इसके पूरा पूरा इसका फेस ऐसे, उसमें स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, इसके पांव ऐसे सूजन से फूल गए, मतलब बहुत ज्यादा। फिर ये फिर से मेडिसिन खाने लगी, पट्टियां, कई कुछ, शैतान ने बहुत कुछ, पर मैंने उत्साहित किया, ये खड़े रहे। कह रहे हैं खुदा के साथ, ये मैंने जो बताया, उत्साहित किया, ये खड़े रहे, और आज देखो आपके सामने, ये खुदा का प्रेम है। हाँ, बोलो क्या है?
ये खुदा का प्रेम है। बताओ बताओ। पापा जी मैं भी कहना चाहनी पापा जी मैं जो अहीं सौदा लियाने पति मेरे नु 10 तारीख ते तनखा मिलदी ते अहीं सौदा लियाने हां पापा जी बिल्कुल पहला हाडे घर बरकत नहीं ही। पापा जी मैं प्रार्थना करके जदों दा सौदा पाउन लगे पापा जी 15 दिन हाडे लंघदे सौदे ना हुण 2-2 महीने हो गए खत्म ही नहीं हुंदा सौदा। तारीफ करो जोश। हालेलुया जबरदस्त तालियों के साथ जबरदस्त प्रभु की महिमा बहुत जबरदस्त होनी चाहिए इतनी छोटी महिमा नहीं होनी चाहिए। Amen. Hallelujah. सच में वो जिंदा खुदा हमारे बीच है और जो लोग उससे प्रेम करते हैं बाइबल में लिखा उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। Amen. 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 अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।